हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल झार ट्यूटोरियल। झार ट्यूटोरियल पे आपका स्वागत है। और आज हम देखने जा रहे हैं साइज 11 बी का 11th नंबर क्वेश्चन। से पहले हम 10th नंबर क्वेश्चन तक देख चुके थे और 11th नंबर क्वेश्चन में y इक्वल टू साइन एक्स दिया हुआ है और क्या कह रहा है कि x चेंजेस फ्रॉम पाई बाई टू टू 22/4। चलिए अब इस लाइन से हम क्या क्या पता चलता है वो देखते हैं आगे बढ़ते हुए। y is equal to sin x है, इसका मतलब f x is equal to sin x है, और f x is equal to sin x है मतलब f dash x क्या हो जाएगा, cos x। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। अच्छा, अब इस फॉर्मूला में बैठाने की कोशिश करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, f x plus delta x minus f x is equal to f dash x into delta x। फॉर्मूला ऐसा है हमारे पास, तो f x plus delta x is equal to क्या हो जाएगा, f x को उधर ले गए, plus f dash x delta x। ठीक है, अब देखिए यहां पे x क्या होगा और डेल्टा x क्या होगा, क्या दिया हुआ है, चेंजेस फ्रॉम पाई बाई टू टू 22/4। यानी x होगा हमारे पास पाई बाई टू, पाई बाई टू से चेंज हो रहा है, यानी x है पाई बाई टू, यानी x दिया हुआ है पाई बाई टू, फील कर रहे हैं आपको x पाई बाई टू है और चेंज हो रहा है पाई बाई टू से 22.4। यानी डेल्टा x जो हो जाएगा वो हो जाएगा 22/4 माइनस पाई बाई टू, और x हमारे पास हो जाएगा पाई बाई टू। इस लाइन से आपको ये दो बातें पता चलती है। तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इसको ऐसे रहने देते हैं क्योंकि हमको चेंज निकालना है वाई में। एफ एक्स, एफ एक्स मतलब एफ पाई बाई टू, एफ पाई बाई टू प्लस एफ डैश एक्स मतलब एफ एफ डैश पाई बाई टू, और डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स वैसे ये है लेकिन इसको ऐसे रहने देते हैं, अभी जब काम आएगा तब पुट कर लेंगे। अच्छा, एफ पाई बाई टू मतलब एफ एक्स में पाई बाई टू पुट कर दो तो हो जाएगा साइन पाई बाई टू। अच्छा, एफ डैश पाई बाई टू मतलब कॉस पाई बाई टू इन टू डेल्टा एक्स, ऐसे रहने देते हैं डेल्टा एक्स को। अच्छा, साइन पाई बाई टू का वैल्यू पता है हम लोगों को 1 होता है लेकिन अभी ऐसे रहने देते हैं, और कॉस पाई बाई टू का वैल्यू 0 होता है पता है, और इनटू डेल्टा एक्स। तो ये हो गया हमारे पास 0 और यहां रह गया साइन पाई बाई टू, हो गया तो साइन पाई बाई टू हो गया, तो ये हो जाएगा आपको साइन पाई बाई टू का वैल्यू हमारे पास होता है 1। ठीक है, यानी कि हमारे पास एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ गया 1। तो क्या चेंज क्या हुआ, वन हुआ क्या चेंज, नहीं वन चेंज नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास किसका वैल्यू आया, हमारे पास वैल्यू आया एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का। अच्छा, एफ एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर वाई इज इक्वल टू साइन एक्स है, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है साइन एफ पाई बाई टू है सबसे पहले एफ एक्स, और ये क्या है साइन पाई बाई टू, और ये है वन, यानी पहले भी हमारे पास वन ही था और अभी भी वन है, यानी कोई चेंज नहीं हुआ। अगर आप नहीं समझे तो मैं समझाता हूं, मैंने पहले अब सॉल्व कर दिया, मैं आपको अच्छे समझाता हूं। हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है साइन एक्स, अब ये चेंज हो रहा है पाई बाई टू से 22/4 तक, हमारे पास ओरिजिनली वैल्यू है पाई बाई टू और वो चेंज होकर 22/4 हो रहा है। हम चेंज निकालें, चेंज निकालने के बाद साइन एक्स का वैल्यू, यानी पाई बाई टू से 22/4 जाने के बाद साइन एक्स का वैल्यू आया हमारे पास 1, और जब पाई बाई टू पे था तब साइन एक्स का वैल्यू कितना था, तब भी 1 ही था, यानी पाई बाई टू पे था तब भी 1 ही है फंक्शन का वैल्यू, यानी साइन एक्स का वैल्यू, और 22/4 पे गया तब भी 1 ही है फंक्शन का वैल्यू यानी साइन एक्स का वैल्यू, यानी कोई चेंज नहीं हुआ, 1 पे था और 1 पे ही है, यानी नो चेंज, यानी नो चेंज। और यहां पे हम डेल्टा एक्स का वैल्यू शुरू में पुटने के, दिखने में अच्छा नहीं लगता, 22/4 माइनस पाई बाई टू बार बार लिखते हैं तो लिखने में टाइम लगता और अच्छा नहीं लगता लिखने में, डेल्टा एक्स हे लिखे रहे क्योंकि आगे 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद इसको 0 ही होना है, तो इसलिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब से 12th नंबर क्वेश्चन से लेकर आगे वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें अक्सर यही फॉर्मूला यूज हुआ। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको आर एस अग्रवाल के पेज नंबर 468 पे दिया हुआ है टॉप पे ही। तो अब जितने भी क्वेश्चन लोग बनाएंगे उसमें यही वाला फॉर्मूला बेसिकली यूज होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो 12th नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखिए पढ़ते हैं साथ में। अ सर्कुलर मेटल प्लेट एक्सपैंड्स अंडर हीटिंग, एक सर्कुलर मेटल प्लेट हीटिंग पे एक्सपेंड करता है, सिंपल सी बात है सबको पता है, मेटल हीटिंग पे एक्सपेंड करता है, सो दैट इट्स रेडियस इंक्रीजेस बाय 2%, यानी उसका रेडियस 2% इंक्रीज किया, यानी चेंज इन रेडियस, चेंज इन रेडियस यानी डेल्टा आर, डेल्टा आर ही माने हम लोग, डेल्टा एक्स मानते इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, लेकिन डेल्टा आर माने, डेल्टा आर क्या हो जाएगा 2%। ठीक है, अब आगे हम लोग क्या कह रहा है कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन द एरिया ऑफ द प्लेट, यानी आपको
एरिया ऑफ द प्लेट में कितना इंक्रीज हुआ वो आपको निकालना है, डेल्टा आपको निकालना है। इफ द रेडियस ऑफ द प्लेट बिफोर हीटिंग इज 10 सेंटीमीटर, यानी रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर है कब, हीट करने से पहले। तो हम लोग को पता है कि सर्कुलर प्लेट है यानी सर्कल का एरिया हमको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अगर इसको आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो डी ए बाई डी आर क्या हो जाएगा, पाई इंटू टू आर, और डी आर बाई डी आर वन ही होता है तो लिखेंगे नहीं। तो डी ए बाई डी आर, डी ए बाई डी आर एट आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, टू इंटू पाई इंटू 10 सेंटीमीटर यानी 20 पाई सेंटीमीटर होगा। यही पुट किए सिंपल, टू को पहले लिख लिए, पाई को बाद में लिखे, और आर को ऐसे लिखे 20 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, हम ये सेंटीमीटर नहीं लिखते हैं, यूनिट का हमको अभी यूनिट लिखे कोई फायदा नहीं है क्योंकि हम लोग अपना काम कर रहे हैं, हम लोग को आंसर निकालने से मतलब यूनिट अगर जरूरत पड़ेगा आंसर में तो बाद में लोग यूनिट लिख देंगे। आप भी ऐसे ही करिए एग्जाम्स में, वैसे एग्जाम्स में तो आप यूनिट लिख दिया करिएगा लेकिन जब आप सॉल्व करें तो यूनिट ना लिखें क्योंकि यूनिट लिखने से और कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो आप यूनिट ना लिखें, लास्ट में जो हमारे पास क्वांटिटी है उसका यूनिट लिख दें। ठीक है, तो देखते हैं, डी ए बाई डी आर निकल गया। अब इस फॉर्मूला का काम लेंगे हम लोग। ये फॉर्मूला क्या कहता है, चेंज इन वाई इज इक्वल टू डीवाई बाई डी एक्स चेंज इन एक्स। तो यहाँ वाई क्या है, यहाँ वाई है एरिया, एरिया चेंज हो रहा है ना एक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब एरिया एक्स, अगर एक्स चेंज हो रहा है तब वाई चेंज हो रहा है। इस फॉर्मूला यही, ये फॉर्मूला यही कहता है कि एक्स चेंज हो रहा है तो वाई चेंज हो रहा है। इसका मतलब यहाँ रेडियस चेंज हो रहा है तो एरिया चेंज हो रहा है, यानी एक्स की जगह वाई होगा। यहाँ पास जो इससे फॉर्मूला आता है वो आता है डेल्टा इज इक्वल टू डी ए बाई डी आर इंटू डेल्टा आर, यानी चेंज इन एरिया इज इक्वल टू डी ए बाई डी आर इंटू चेंज इन रेडियस। अच्छा, डी ए बाई डी आर एक्स इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पे निकाले थे या 10 पे ही निकाले थे, या 10 सेंटीमीटर जो बोलो, ये हमारे पास आया था 20 पाई। और चेंज इन आर कितना दिया हुआ है, चेंज इन आर दिया हुआ है आपको 2%, तो 2%, ठीक है 20 पाई। अच्छा, 2% हम लोग कैसे लिखते हैं, 2% को 2/100 ऐसे लिखते हैं ना। चलिए, एक जीरो से एक जीरो हटा, क्या बच जाएगा ये 4/10 पाई। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 4/10 को लिख सकते हैं 2/5 अब पाई, और चेंज इन एरिया है यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग यहां पे वो किस तरह से कंफ्यूजन होता कि यहां पे तो हमारा सेंटीमीटर आता लेकिन यहां पे सेंटीमीटर स्क्वायर कहां से आ गया, जबकि यहां पे अगर 25 सेंटीमीटर लेते हैं सेंटीमीटर यहां पे कुछ यूनिट है ही नहीं है, सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे होगा, कंफ्यूजन आपको आता। देखिए आंसर में दिया हुआ 2/5 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर सही है, आंसर सही है, आंसर अपने जगह पे सही होगी। एरिया चेंज करेगा तो एरिया यूनिट में ही करेगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में कर रहा है। दरअसल मेरे हिसाब से यहां जो दिया हुआ है आपको डेल्टा आर यानी चेंज इन रेडियस, इसको 2% में यूनिट देना चाहिए, 2 सेंटीमीटर ऐसा करके कुछ देना चाहिए ताकि हमारे पास यूनिट बैलेंस हो जाए। तो मेरा मानना है कि आप यूनिट ना लेके चले और जो हमारे पास लास्ट में जिसको हमको निकालना है उसका यूनिट हम यहाँ पे पुट कर दें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए 13th नंबर क्वेश्चन, इफ द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज डिक्रीज बाय 2%, ठीक है लेंथ डिक्रीज कर रहा है 2% से, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन द पीरियड टी। जब जब टी का फॉर्मूला दिया हुआ है आपको 2π√L/g, इसे आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। ठीक है, यहाँ पे जी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स पता है आपको क्योंकि इस जी का भी काम आने वाला है। ठीक है, अब वैल्यू आपको काम नहीं आएगा, आपको यहाँ पे काम आएगा कि ये जी का वैल्यू आपको पता है, जी कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो वही इसी का काम आने वाला है। अब देखिए फॉर्मूला ये दिया हुआ है हमारे पास और पूछ रहा है फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन द पीरियड टी, यानी पीरियड टी में परसेंटेज डिक्रीज आपको निकालना है। जब लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम जो है वो डिक्रीज कर रहा है 2% से, यानी सिंपल पेंडुलम के जो लेंथ है वो परसेंट, ये भी परसेंटेज डिक्रीज में ही दिया हुआ है, सिंपल पेंडुलम का लेंथ जो है वो भी डिक्रीज कर रहा है 2% से, मतलब वो परसेंटेज डिक्रीज ही दिया हुआ है सिंपल पेंडुलम का लेंथ। तो पहले इस फॉर्मूला की बात करते हैं, अगर दोनों साइड लॉग ले लें तो लॉग टी क्या हो जाएगा, लॉग 2+log π, क्योंकि मल्टीपाई मल्टीप्लाई में है 2 और पाई, तो लॉग 2π क्या हो जाएगा, लॉग 2+log π, और प्लस प्लस देखिए इसको अच्छे से पहले तोड़ के दिखा देते हैं आपको, वैसे यहां पे हो जाएगा ½log L − ½log g। अच्छा कैसे हुआ, एक स्टेप आगे हम चल के दिखाते हैं, मतलब पहले अगर log t हम यहां पे लेते हैं तो ये क्या हो जाता, log 2+log π अब प्लस log √L/g ऐसा होता,
क्योंकि जो मल्टीप्लाइड में था उसको प्लस में ले आते हैं हम लोग। अच्छा अंडर रूट वन बाई टू मतलब क्या, अंडर रूट मतलब क्या, पावर वन बाई टू, तो पावर वन बाई टू कर दिए। तो यहां पर अलग से हम दिखाते हैं आपको, लॉग एल बाई जी का पावर वन बाई टू, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अगर लॉग में कहीं पावर है तो पावर पीछे आ जाता है, तो हाफ लॉग एल बाई जी, और हाफ लॉग एल बाई जी को हम लिख सकते हैं हाफ लॉग एल माइनस लॉग जी, और हाफ फिर सब में मल्टीप्लाई कर दे अंदर, तो हाफ लॉग एल माइनस हाफ लॉग जी। तो ऐसे हमारे पास आता है ये वाला फॉर्मूला जो कि हम लोग नीचे लिखे हैं लॉग लेने पे। तो ये था सिंपल फंडा। अब देखिए, अब हम लोग करते हैं दोनों साइड डिफरेंशिएट। अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां क्या आ जाएगा, लॉग एक्स का क्या होता है वन बाई एक्स, तो लॉग टी का वन बाई टी, और यहां क्या डी टी अब आई डी एल, लेंथ के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अच्छा लॉग टू कॉन्स्टेंट, डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। लॉग पाई भी कॉन्स्टेंट, डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। हाफ लॉग एल, हाफ लॉग एल का क्या हो जाएगा वन बाई एल, वन बाई एल, और माइनस हाफ लॉग जी, अब माइनस हाफ तो कॉन्स्टेंट ऐसा ही रह जाएगा, और लॉग जी अब काम आया, लॉग जी, लॉग जी का वैल्यू आपको नहीं पता होगा, आपको जी का वैल्यू पता होगा, ठीक है। तो जी क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारे पास क्या आ गया, वन बाई टी डी टी बाई डी एल इज इक्वल टू वन बाई टू इंटू वन बाई एल, ठीक है, ये आ गया हमारे पास ओवरऑल। अब क्या करते हैं हम लोग, दोनों साइड चेंज इन लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों साइड हम लोग चेंज इन लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेल्टा एल इज इक्वल टू हाफ डेल्टा एल बाई एल। अच्छा अब देखिए, ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा टी, कैसे आ जाएगा, फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, डेल्टा एक्स, अगर डेल्टा एक्स की टर्म में हम लोग देखें तो आर एस अग्रवाल के पेज नंबर 468 पे लिखा होगा डेल्टा एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वाई, यानी डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो यहां पे डेल्टा वाई की जगह आप वाई की जगह आप टी समझिए, तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा, डेल्टा टी क्या हो जाएगा, देखिए पुट करके दिखाते हैं, डेल्टा टी क्या हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स और डी टी बाई डी एक्स, और यहाँ डी एक्स क्या है, एक्स क्या है, एक्स है एल, तो डी टी बाई डी एल, और डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स हो जाएगा डेल्टा एल। तो यहां से डेल्टा टी हमारे पास आ गया डी टी बाई डी एल इंटू डेल्टा एल, यहां पुट करते हैं इसकी जगह, ये क्या हो जाएगा वन बाई टी इंटू डेल्टा टी, और ये तो है हाफ डेल्टा एल बाई एल। अब क्या करते हैं, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 इज इक्वल टू हाफ इंटू डेल्टा एल बाई एल इंटू 100। अच्छा डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 क्या है, परसेंटेज चेंज इन पीरियड, और डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 क्या है, परसेंटेज चेंज इन लेंथ, जिसका वैल्यू हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, अगर आप शुरू का ही लाइन पढ़ो क्वेश्चन का, तो इफ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डिक्रीज बाई 2%, ये जो 2% है वो परसेंटेज चेंज इन लेंथ है इंटू 2%, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1%, यानी परसेंटेज चेंज इन पीरियड हमारे पास आ गया 1%। ऐसे जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग 2% को परसेंटेज चेंज मान के नहीं किए थे प्रॉब्लम सॉल्व, जबकि वहां भी परसेंटेज के फॉर्म में ही दिया हुआ था, तो वहां लेकिन परसेंटेज के फॉर्म में दिया तो था लेकिन परसेंटेज पूछा नहीं था, इसलिए हम लोग परसेंटेज के टाइप में इसको यूज नहीं किए, ठीक है। तो ये रहा इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 14th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14th नंबर क्वेश्चन में द प्रेशर पी एंड द वॉल्यूम वी ऑफ अ गैस आर कनेक्टेड बाय अ रिलेशन, यानी एक रिलेशन है पी इंटू वी का पावर बाई 4 इज इक्वल टू के, वेयर के इज अ कॉन्स्टेंट। अच्छा आगे क्या कह रहा है, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रेशर कॉरस्पॉन्डिंग टू अ डिमिनिशन ऑफ 0.5% इन द वॉल्यूम। अच्छा ये आगे वाले टर्म को बाद में यूज करेंगे, पहले तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करने से पहले इसमें लॉग लेते हैं, लॉग लेने के बाद डिफरेंशिएट करना आसान हो जाएगा, क्या हो जाएगा लॉग पी प्लस लॉग पी का पावर 1/4 इज इक्वल टू लॉग के होगा, चलिए होगा। अब अगर इसको सॉल्व करें तो लॉग पी अब बस पावर पीछे आ जाएगा 1/4, ठीक है 1/4 लॉग बी इज इक्वल टू लॉग के, ठीक है। अब बढ़िया है डिफरेंशिएट करने की, डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, तो रिस्पेक्ट में हमको करना है वॉल्यूम, क्योंकि हमको परसेंटेज चेंज जो दिया है वॉल्यूम में ही दिया है, तो हम लोग करते हैं वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, लॉग पी हो जाएगा 1/p dp इंटू dp बाई डी पी प्लस 1/4, लॉग वी का क्या हो जाएगा
लॉग वी का हो जाएगा 1/v इंटू डीवी बाई डीवी, तो 1 ही हो गया। और लॉग के कॉन्स्टेंट है, अच्छा लॉग के कॉन्स्टेंट कैसे होगी, के कॉन्स्टेंट है क्वेश्चन के अगले लाइन में दिया हुआ था फॉर्मूला के बाद, वेयर के इज ए कॉन्स्टेंट, इसलिए लॉग के का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। इसी समय के लिए हमको के कॉन्स्टेंट दिया हुआ था, तो 1/p इंटू डीवी बाई डीवी इज इक्वल टू -1/4 1/b हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग, दोनों साइड डेल्टा वी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो डीपी बाई डीबी इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू -1/4 delta v/b। चलिए हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास डेल्टा पी इज इक्वल टू -1/4 delta v/b। ठीक है, फिर वही बात, वही रिलेशन जो हम लोग अभी तक देखते आए हैं, डेल्टा वाई इज इक्वल टू dy/dx डेल्टा एक्स। तो यहां किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में, और यहां पे किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, v के रिस्पेक्ट में, यानी x की जगह यहां v होगा और y की जगह p होगा। तो डेल्टा p इज इक्वल टू dp/dv और यहां क्या डेल्टा v। ठीक है, तो यहां पे इसकी जगह हम लोग डेल्टा p इस रिलेशन से पुट किए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डेल्टा p बाई पी इंटू -1/4 delta v/b। अब देखिए हम आगे वाले लाइन क्वेश्चन के पढ़ते हैं, अगर आप फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रेशर कॉरस्पॉन्डिंग टू द डिमिनिटेशन ऑफ 0.5% इन द वॉल्यूम। अच्छा ये डिमिनिटेशन का मतलब क्या होता है, डिक्रीज, डिक्रीज इन द वॉल्यूम। ठीक है, तो ये वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, और परसेंटेज इंक्रीज पूछ रहा है, परसेंटेज इंक्रीज पूछ रहा है मतलब इंटू 100 इधर भी होगा तभी परसेंटेज इंक्रीज होगा, दोनों साइड इंटू 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, पी इंटू 100 -1/4 इंटू डेल्टा वी बाई वी इंटू 100। अच्छा ये वाला टर्म अब क्या हो गया, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, और परसेंटेज चेंज में कैसा चेंज, डिक्रीज वाला चेंज, तो यहां माइनस लगा देंगे 0.5। ठीक है, अच्छा माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 0.5/4 इज इक्वल टू 0.125%। यानी जब 0.5% डिक्रीज हुआ वॉल्यूम में, तब 0.125% डिक्रीज हुआ किसमें, प्रेशर में। तो यही था इस क्वेश्चन का थीम, तो अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। उससे पहले आप देख लो, चलिए